अनलॉक के बाद जहां महानगर में कुछ दुकानें खुली तो वहीं शाम को 7 बजते ही कोरोना कर्फ्यू शुरू हो गया। इसके पहले पुलिस ने रीड साहब धर्मशाला रोड, भगत सिंह चौराहा, अंबेडकर चौक, वहीं शास्त्री चौक पर गाड़ियों का चेकिंग कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। इसके अलावा रात्रि में चेतना तिराहे पर वाहनों का चेकिंग कर चालान भी किया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने के लिए इजाजत दे दिया गया है, परंतु रात्रि में 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी तथा दवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक दुकानों को खुलना अलाउ किया गया है, परंतु रात्रि में कर्फ्यू है। रात्रि में 7 बजे से लेकर भोर 7 बजे तक दुकानें जो हैं बंद रहेंगी, सिर्फ आवश्यक वस्तु की दुकान खुली रहेगी, दवाइयों की दुकान खुली रहेगी उस समय, और वीकेंड पे जो है कंप्लीट कर्फ्यू रहेगा। तो इसका अनुपालन मैं उम्मीद करूँगा कि गोरखपुर की जनता पुलिस का सहयोग करेगी इसका अनुपालन करने में। देखिए, कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, हम सबको ये जानकारी है, और थर्ड वेव की भी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी। हम सबके का दायित्व है कि हम जिस तरह से पिछली बार हमने फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव के बीच में थोड़ी शिथिलता बरतने शुरू कर दी थी, वैसा ना करें। हम इस बार मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, क्योंकि अपने स्वयं की सुरक्षा हम जब तक नहीं करेंगे तब तक समाज की सुरक्षा कर पाना संभव नहीं है।